अलीगढ़ में सरकार की योजना हर घर नल जल योजना का यहां पर काम कर रहे प्रधान प्रति पर दबंगई के आरोप लगे हैं। दरअसल आपको बताते हैं कि अलीगढ़ के ग्राम तलाशपुर में यहां पर खुर्द जो है वहां पर किसान ने यहां पर प्रधान प्रति पर आरोप लगाए हैं और किसान पर यह आरोप लगाए गए हैं प्रधान प्रति दबंगई करते हैं। उनकी जमीन की में जो टंकी लगाने के लिए बोरिंग वह कर रहा था, जिस पर प्रधान प्रति गुफरान ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए मीडिया से चर्चा करी है, जहां पर उन्होंने कहा कि सरकार की योजना हर घर नल जल योजना के तहत वह सरकार की मंशा में यहां पर ग्राम सभा की जमीन पर खेत नंबर 160 में टंकी लगाने के लिए बोरिंग का काम लगातार करवाया जा रहा था, जिससे लोगों को हर घर पर पानी मुहैया हो सके। वहीं पर सरकार की योजना ग्राम सभा की जमीन पर बोरिंग भी करवाया जा रहा था, जिसमें किसान ने ग्राम सभा की जमीन पर दर्शकों से यहां पर कब्जा भी कर रहा है, जहां पर शासन प्रशासन ने यहां पर जमीन को कब्जा मुक्त करवाकर टंकी आवंटित करवाई है। वहीं पर इसको लेकर जमीन पर लगातार काम भी हो रहा था। अगर किसान को लगता है कि उनकी ज़मीन है तो वह पेमाइश करा ले और टंकी लगाने के लिए बोरिंग करवाया जा रहा है उसकी भी जांच कर ले। ग्राम सभा की ज़मीन है, सरकार की तरफ से यहां पर टंकी लगाने के लिए बोरिंग का काम करवाया जा रहा है और मेरे ऊपर जो प्रधानपति के ऊपर जमीन कब्जा करने के जो आरोप लगाए गए हैं वह निराधार है। प्रधानपति दबंगई से यहां पर जमीन पर कब्जा करते हुए टंकी का बोरिंग कर रहा है, आरोप निराधार है, मेरा कोई लेना देना नहीं है, सरकार की तरफ से बोरिंग का काम करवाया जा रहा है। ग्राम सभा की जमीन पर सभी ग्राम वासियों को सरकार की योजना लाभ मिल सके और हर घर पर जल और नल की व्यवस्था हो सके, इसके तहत लगातार काम किया जा रहा है और स्वच्छ और साफ पानी मिल सके, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। मैं डीएम साहब के ऑफिस आया हूं और मैंने वहां पर एक एप्लीकेशन दी है, प्रार्थना पत्र दिया है और इससे पहले मैंने एसडीएम साहब के यहाँ भी एक प्रार्थना पत्र दिया है, उसका कोई अभी तक ना आदेश हुआ है ना ही वो बोरिंग का काम रुका मेरी ज़मीन में, इसलिए मैं डीएम साहब के पास आया। क्या है पूरा मामला ज़मीन का? सर पूरा मामला ये है, मेरी 27 साल पुरानी ज़मीन है, कहना वहाँ 5 बीघा का 27 साल पुराना और मैं 27 साल से उसे जोत रहा हूँ, अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहा हूँ। अब 27 साल के बाद में अचानक प्रधानपति आता है मेरी ज़मीन पर और कहता है कि ये ग्राम समाज की ज़मीन है। क्या नाम है प्रधानपति? प्रधानपति का नाम गुफरान सुनो इरफान। कौन से गांव का मामला है? ताला खुर्द थाना रोरावर। अब क्या चाहते हो आप? ये आज मैं ये चाहता हूँ सर कि जो बराबर में जो मेरी ज़मीन 5 बीघा का बेनाम है उसको पूरा कर दिया जाए, उसको कब्जा मुक्त कर दिया जाए और जो बराबर में 160 नंबर 3 बीघा है आप उसको भी पूरा कर लें। अगर उसकी ज़मीन मेरे में आ रही है 5 से 5.5 है 5.5 है तो निकाल दी जाए। तालसपुर खुर्द में मेरी मिसेज ग्राम प्रधान है रेशमा बेनो, मैं उनका पति हूँ। ग्राम प्रधान में सरकार की मंशा को लेकर माननीय योगी जी ने और हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है हर घर जल हर घर नल, तो हर गांव में टंकी लग रही है, तो मेरे गांव में भी पानी की टंकी का काम चल रहा है। ग्राम सभा की ज़मीन 160 नंबर में और वहाँ पानी की टंकी बनाई जा रही है सरकार की मंशा के तहत। इसमें ये दिक्कत आ रही है, एक हमारे गांव का व्यक्ति है सराफत अली पुत्र अल्लानूर, इसने करीब दशकों से ग्राम सभा की ज़मीन पर कब्जा कर रखा है, वो शासन ने कब्जा मुक्त करा दी, कब्जा मुक्त करा कर उसमें पानी की टंकी का प्रस्ताव कर दिया, उसमें पानी की टंकी का काम चल रहा है। मेरा उससे सराफत अली से ना तो मेरी कोई रंजिश है ना ही मेरा उनसे कोई ऐसा मतलब है। अब वो मेरी छवि को धूमिल कर रहे हैं और तमाम चैनलों पर बोल रहे हैं दबंग प्रधान ने मेरी ज़मीन घेर ली, दबंग प्रधान ने वो कर दिया, मैंने तो उनके संग ऐसा कुछ करा नहीं है। बाकी उन्हें ऐसा लग रहा है कि मेरी ज़मीन कम है और प्रधान ने घेर ली, अपनी ज़मीन की नाप कराएं और जो ज़मीन में टंकी बननी है उसकी भी जाँच कराएं। तो ग्राम समाज की ज़मीन है, ग्राम समाज की ज़मीन है 160 नंबर। अब वो बोलते हैं कि ईदगाह तोड़वाई जाए या ईदगाह गल बनवा दी गलत, ईदगाह जब से इस गांव में मुसलमान हैं जब से भाई नमाज पढ़ रहे हैं भाई बनी हुई है, मेरा ईदगाह से कोई लेना देना नहीं है। बनवाने में ईदगाह बनी है तो सौ साल पहले की ज़मीन है ईदगाह की, और ईदगाह में जो काम चला आज 10 साल पहले तो पूरे गांव ने चंदा करके ईदगाह बनवाई है, ना कि वो फिर सरकारी पैसे से बनी है। तो ईदगाह तोड़वाना चाह रहे हैं वो? हाँ, वो ईदगाह तोड़वाने के लिए एप्लीकेशन देते हैं कि ईदगाह तोड़वाई जाए, कब्जा मुक्त कराई जाए। ईदगाह तो एक धर्म की जगह है, 100 साल पुरानी जगह है, ईदगाह से तो उनको कोई मतलब होना चाहिए नहीं चाहिए, वो फितूर वाली बात करते हैं। शातिर किस्म के आदमी हैं, आज से करीब 8-10 महीना पहले
भोजपुरा चौराहे से मंदिर से माता रानी की मूर्ति चोरी हुई। इनने उनके मूर्ति चोरी होने के बाद में पुलिस ने इनके गोदाम में से घर से बरामद करी मूर्तियों के। इनने हाथ पैर तोड़ रखे थे, जो मूर्तियों के हाथ थे पैर थे वो इनने तोड़ रखे थे और इनके घर से बरामद हुई जो उसमें जेल काट के आई। कितने समय से कब्जा कर रखा था इन्होंने? इनने करीब करीब 20-25 साल से 27 साल से कब्जा कर रखा है ग्राम सभा की जमीन पर। भैंस वो ग्राम सभा की जमीन कब्जा मुक्त हो गई है, उसी में ही इनने पूरे प्रशासन को जो गुमराह कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद गुफरान है।